कि हिंदू बट जाएगा, हिंदू बट जाएगा, हिंदू खतरे में है। ये सेना में जब लड़ेगा, बंदूक चलाएगा, गोली चलाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। तो चमार ने रेजिमेंट क्यों बंद कर दिया? खोलो ना। इसीलिए तो आपको हथियार रखने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं, कुछ भी रखने का अधिकार नहीं। पब्लिक भी तो जात जात कर देख के वोट देता है। जाके देखो ना, जात जात का पार्टी बना हुआ है। अपने हक छुपाने के लिए तुम राइफल भी नहीं खरीद सकते हो, अपना जमीन भी नहीं बचा सकते हो, तो क्या कर सकते हो? ये दलित बैकवर्ड सपना बचाओ क्यों नहीं सिखाता है कि जातिवाद क्या है, उसके खिलाफ लड़ना कैसे है? जो अपने लिए नहीं लड़ सकता, सोसाइटी को क्या देगा? सर, संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि दलितों की बरात और घुड़चढ़ी आराम से करने दीजिए, वो भी समाज के मतलब पैरवा हैं। मोहन भागवत देश के मालिक हैं, किस कैपेसिटी में बोले हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। और दलित शादी कैसे करे ना करे उसका निजी मसला है। घोड़ी पे क्या, चेतक लाओ, बड़े महंगे वाले घोड़े पे चढ़ो। और मैं वैसे, मेरी व्यक्तिगत राय है कि शादी ब्याह जो है कम खर्चे में करना चाहिए, कोर्ट में करना चाहिए। और जितना झूठी आन बान शान में खर्चा करते हैं ना, वो बचा के ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन तब भी अगर कर रहे हैं तो बढ़िया वाला एकदम अरबी घोड़ा लाइए, उसे बैठिए, उस पर शादी करिए। हर गांव में जो संपन्न दलित है उस सबको राइफल के लिए अप्लाई करना चाहिए, राइफल का लाइसेंस के लिए। लेकिन 100 साल होने वाले हैं संघ को, उसके बाद में बयान आया करीब, इसलिए ना कि चुनाव आ रहा है, हिंदू खतरे में आ गया है। ये तो ऐसा धर्म है, दुनिया भर में कहीं भी जाति में बात होती है तो दुनिया भर में आज से नहीं 1911 से एक ही आर्गुमेंट चल रहा है कि हिंदू बट जाएगा, हिंदू बट जाएगा, हिंदू खतरे में है। तो दलित का वोट खाली वोट के समय हिंदू याद आता है, चुनाव आ गया ना 24 में तब सब याद आ रहा है। तो सीधा हम तो कह ही रहे हैं कि भाई दलित लोग बीजेपी को वोट मत देना, ये सब पूरा मनुस्मृति को लागू करने वाला है आरएसएस और बीजेपी सब। अभी कह रहे थे कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है, वो सब इनके आसपास ही बोल रहे हैं सारी चीजें। अरे ब्राह्मण, पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाई है, कोई अनपढ़ ब्राह्मण थोड़ी जाति बना सकता है। पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाई है, खत्म तो उन्हीं को करना पड़ेगा। इसलिए मजबूत हो, सामने सीना चौड़ा कर खड़ा हो। और जो हमला करता है, इसलिए मैंने कहा ना, कानून इजाजत देता है ना कि जिसके पास पैसा है अपना राइफल लो, बढ़िया वाला लेटेस्ट वाला लेना, लेटेस्ट एकदम, उसमें जो आए मतलब हिंसा करें दलित, अजीब हाल है। तुम सवाल, तुम लोगों को दिक्कत यही है, हिंसा और आत्मरक्षा में अंतर नहीं नजर आ रहा है। तुमको लात खाना अच्छा लगता है क्या? कोई मारेगा तो क्या करोगे तुम? आत्मरक्षा नहीं करोगे? कोर्ट कचहरी भी तो है सर। नहीं, पहले पिटा के तब कुछ कर लीजिए, वो थाना में सुनता है। डकैत घर जलाने आएगा तो कोर्ट में जाओगे पहले, क्या करोगे? बाबा साहब ने तो कहा था कि कलम थामिए आप, बंदूक मत थामिए। अरे यार, बाबा साहब को ठीक से पढ़े ही नहीं हो, खाली कहा था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। वो ये भी कहा था कि सबको जितना अछूत है सबको सेना में भर्ती होना चाहिए, महार एक योद्धा कौम है, ये भी तो कहा था कि सेना में भर्ती हो। तो सेना में भर्ती भजन करने के लिए बोले थे कि सेना में जब लड़ेगा, बंदूक चलाएगा, गोली चलाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। तो चमार ने रेजिमेंट क्यों बंद कर दिया? खोलो ना। इसीलिए कि जब बैटल ग्राउंड में आप जाते हैं तो आपको लड़ने की टेक्निक के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ता है। इसीलिए तो आपको हथियार रखने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं, कुछ भी रखने का अधिकार नहीं। योगी सरकार नया कानून लेकर के आई है कि दलित की जमीन अब बिना डीएम की परमिशन के ही बिक जाएगी आराम से। तो जिस सामाजिक राजनीतिक दर्शन के ये लोग है, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। मनुस्मृति में तो लिखा है कि अछूतों के पास धन नहीं होना चाहिए, शूद्रों को धन नहीं होना चाहिए, उसके धन होने चाहिए काले लोहे होने चाहिए, ब्लैक मेटल, टूटे बर्तन में खाना चाहिए, फटे कपड़े पहनने चाहिए, जो लाश का बचा हुआ कपड़ा है वो पहनने चाहिए। तो वो जिस दर्शन में वो विश्वास करते हैं उसके हिसाब से तो सही कर रहे हैं। ये तो हमारे नेताओं की कमी है कि संविधान और सब कुछ रटते रहता है लेकिन काम कोई ढंग से करता उड़ता है नहीं। तो जाति जनगणना तो अभी हो जाता, ओबीसी के नेता सब आ जाए बोले पार्लियामेंट घेर देंगे, दिल्ली घेर देंगे पूरा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में भूमाफियाओं की चांदी हो जाएगी, अब ये कानून आ गया है। अब जाके यूपी के नेता सबसे पूछो, हम लोग नेता नहीं ना, हम लोग एकेडमिक्स के लोग हैं, उस तरह से बोलेंगे। चांदी कराने के लिए लाया होगा फिर, तो जाके क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ घेरता है, फिर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल वहाँ के नेताओं से पूछो, सब सवाल हमसे क्यों पूछोगे? लेकिन जो लोग चुने जाते हैं कोटे के जरिए, SC ST जो विधायक है, वो भी खुलकर सामने नहीं बोल रहे इस मैटर में। तो मैं क्या करूँ, नहीं बोल रहे थे जाके उसके घर पे धरना लगाओ। पब्लिक भी तो जात जात कर देख के वोट देता है, जाके देखो ना, जात जात का पार्टी बना हुआ है।
कभी जब वोट देते हो तो पूछे हो कि हमारे समुदाय के हित जब खतरे में पड़ेंगे तो तुम बोलना हाउस में, कभी बोले हो? जात जात का पार्टी बना के था, जाओ ले लो सब आरक्षण खत्म, जमीन भी ले लेगा सब, फिर सबका बीपी शुगर पेट उठ निकला है ना, शर्ट उठ उतार देगा, बढ़िया से सही हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने एक रुपए में फ्लैट दिए थे, भूमिहीनों को जमीन दी थी, लेकिन योगी जी तो जमीन वापस ले लेंगे पहली वाली। तो जाके लोग से पूछो, वहाँ नेता से पूछो कि धरना प्रदर्शन करो, इसका यही ना जवाब है। अपने हक छुपाने के लिए तुम राइफल भी नहीं खरीद सकते हो, अपना जमीन भी नहीं बचा सकते हो, तो क्या कर सकते हो? सर वो तो जाओ, वो तो जाओ करते हो खत्म में, सर वो कहाँ से राइफल लेंगे? मैंने क्या कहा है, क्या कहा है मैंने पहले कि जो समृद्ध दलित हैं गांव में पांच उसको अप्लाई, ये कहा है ना? आधा सुनते हो और बीच में हुल हुल सवाल खाली पूछते हो, पूरा सुनो पहले कि जाके राइफल बढ़िया लेटे, जिसके पास पैसा है वो खरीदे, घोड़ी पे कौन चढ़ता है? अब सवाल का जवाब दो, पैसे वाले चढ़ते हैं। तो मार किसको लगती है? दूल्हे को उतार के वहाँ पीट देगा, तुम जाओगे कल कचहरी में जाओगे। तो मैं कोई हिंसा नहीं बढ़ा रहा, मैं आत्मरक्षा की बात कर रहा हूँ। महबूबा मुफ्ती सर मंदिर में गई है, जल चलाइए सर। छोड़ो, जाति के नाम से जिस तरीके से विद्यार्थियों की हत्या हो रही है सर, सुसाइड कर रहे हैं विद्यार्थी, क्या सलूशन है सर? उसको बोलो जाके प्रिंसिपल को और डायरेक्टर वाइस चांसलर को कि आंख में आंख डालो और बोलो हाउ डेयर यू। बोलो, घर से माँ बाप ही उसको डरपोक बना के भेजता है विश्वविद्यालय कॉलेज में, बेटा छुप के रहना, डर के रहना, तो वैसा इंजीनियर भी बन जाएगा, आईटी भी बन जाएगा, क्या करेगा जिंदगी भर? कोना में छुप के नौकरी करेगा जाके वहाँ? हैं भाई, तुमको सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी की लड़ाई तुम्हें लड़नी है, सुसाइड का कोई सलूशन है? अगर मेरे जगह होता तो जितने मुकदमे हमने लड़े हैं तो अब तक चार बार हम सुसाइड कर लिए रहते। मैं करता हूँ कि लड़ता हूँ? तो घर में माँ बाप अपने बच्चों को जातिवाद, अगर भेदभाव घर में सिखलाया जा रहा है, बड़े लोग घर में सिखाते हैं बच्चों को ना, तो ये दलित बैकवर्ड से अपना बच्चा को क्यों नहीं सिखाता है कि जातिवाद क्या है, उसके खिलाफ लड़ना कैसे है? मैं तो सिखाता हूँ अपने बच्चों को कि है ये, हम माने चाहे नहीं माने, मेरी जाति है, तो लड़ो भिड़ो, क्या करोगे इंजीनियर बन के डॉक्टर बन के जिंदगी में? जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो सोसाइटी को क्या देगा? जो अपने लिए नहीं लड़ सकता वो सोसाइटी को क्या देगा? तुम्हें तो बार बार मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, लड़ो उससे भिड़ो। अरे नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, सब्जी का दुकान खोलेंगे, ठेला लगाएंगे। मैंने एक कल स्टोरी किया है, कवाड़ी का बोरी का काम करके 15 करोड़ का टर्नओवर बनाया हुआ फैक्ट्री दलित है, 4 महीने स्कूल गया सिर्फ, तो बोरी बेचो सब्जी बेचो, क्या जरूरत है ना भेदभाव का? लड़ो उससे, इसे भागने या मरने से कोई समस्या का समाधान थोड़ी है।